हेलो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एग्जाम में इसका क्या स्कोप है ना, इतने मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें लगभग तो 6 to 8 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 6 to 8 मार्क्स। अब क्वेश्चन कि 6 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, तो कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं 4 भागों में बांटता हूँ, 4 भागों में। सुना, अगर ये तुम्हें याद हो गया ना तो क्या है, कोई भी बच्चा बच्चा इतना भी लिखो उसको 6 to 8 मार्क्स से जो मार्क्स है वो लाया जा सकता है। थोड़ा कैसे, थोड़ा इधर देख रहे, सबसे पहले तो है कॉम्बिनेशन ऑफ, ये तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल, तो इसमें जो न्यूमेरिकल आता है ना बच्चों, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आ सकता है। ये न्यूमेरिकल इसमें आएगा तो ये न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारा रेसिस्टर पे आएगा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। जैसे रेसिस्टर मान लिया जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम से आ सकता है, सर्किट डायग्राम से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों क्या है, उसके बाद आता है लिखने को ओम्स लॉ का डेरिवेशन, सॉरी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो 2 मार्क्स का आ सकता है लिखने को, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक तो सर्किट डायग्राम से और एक आ सकता है आर रो एल बाय ए, इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। किसमें बच्चों, ये न्यूमेरिकल आ सकता है किसमें, तो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल दोनों में से, या तो सर्किट डायग्राम या तो रो एल बाय ए से आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट 2 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता है, किसका, ओम्स लॉ का, ये इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओम्स लॉ। सेकंड क्या है बच्चों, आता है उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें क्या आता है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बताओ बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में इसमें जो फॉर्मूला है h = i² rt, तो ये आता है, ठीक है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी पढ़ो, आई या न्यूमेरिकल है ना, तो इसमें भी खास होते हैं जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही आता है एक, इसको मैं 4 भागों में कह दिया है, एक आता है पावर, आता है पावर, ठीक है। वो चाहे इसमें लिख लो चाहे इसमें लिख लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में 2 मार्क्स का ये भी आ सकता है बच्चों, और पावर से ही क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, इसमें कोई शकवा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है ना उसको मैं इसी में रखता हूँ, लास्ट जो है, देखो ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये h = i² rt से आ सकता है, रिलेशन आ सकता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इसका स्टेटमेंट आ सकता है, किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, ठीक है। इसी में बच्चों इसी में कुछ है जो डोमेस्टिक सर्किट है, इसी में डोमेस्टिक सर्किट एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। उसके बाद इसमें है सर्किट ब्रेकर वगैरह जो भी है ना, तो डोमेस्टिक सर्किट में ही आ जाता है सर्किट ब्रेकर, या तो इसको ऐसा बोला जाता है, या तो इसको बोलो शॉर्ट सर्किट बोल दो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ये सब 2 नंबर में आ सकता है बच्चों, है ना, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी, नहीं, तीनों में से कोई एक आ सकता है, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है, जो टॉपिक है ना वो रिलेटेड है किससे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब क्या है बच्चों, देखो तो क्या है, फर्स्ट में क्या है, न्यूमेरिकल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। ऑन स्टॉप स्टेटमेंट आता है, उसका एप्लीकेशन आता है, कहाँ यूज होता है, यूज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में है, अगर याद कर लो स्टेटमेंट तो 2 नंबर पक्का, मतलब कहीं कहीं एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है अगर ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाए तो, ठीक है बच्चों। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर, में स्टार्ट करता हूँ अभी चैप्टर पढ़ेंगे हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। अब क्या बच्चों, जो बच्चा अच्छा होता है ना, जो पढ़ने में अच्छा होता है उसे थोड़ा पढ़ाई में मजा भी आता है, ये तो बात है ना, है कि नहीं बच्चे, बच्चों। अब हम क्या कुछ सुने, अब जैसे जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले है ना 2-3 बातों का इंपॉर्टेंट है,
क्या क्या जानना है उसका प्रयोग हो सकता है। जैसे सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्यों बच्चों की पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर समझ में आ गया ना तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कोई खास बात नहीं है, ये तुम्हें भी आता है, एट नाइट में सिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे हम जान लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, सबसे पहले ये सीखो, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको क्यू से डिनोटेड किया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर नहीं होता है, इट ओनली शोज मैग्नीट्यूड, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है क्या? गुड, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज जैसे ही समझ आ गया वैसे देखो तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप, तीन भागों में इसे डिवाइड किया जा सकता है इन थ्री टाइप्स। ठीक, क्या क्या सुना? एक तो थ्री टाइप्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव को ऐसे लिखूंगा प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव को ऐसे लिखूंगा माइनस वीई नेगेटिव। एक न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज में, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्यू क्या होगा जीरो होगा, इसमें क्यू क्या रहेगा नेचर तो नेगेटिव रहेगा, इसमें क्या नेचर रहेगा क्यू का तो पॉजिटिव रहेगा। सो मैं बच्चों क्या है, बिल्कुल आसान है सर, मैं समझा गया, गुड, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बोलो बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि अगर, चलो मैं इसे करता हूं, देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो क्या बनता है बच्चों? देखो मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हो इससे क्या होता है, सुनो, पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है क्या? इसमें क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, सॉरी फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल तो सीखो बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अगर तुम ट्वेल्थ में आओ ना तो ये डिटेल है ट्वेल्थ में। ठीक है क्या? तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स हमेशा क्या होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कब, जब प्लस और माइनस एक साथ भिड़ जाए तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर एक प्लस क्यू हो जाए और एक प्लस क्यू एक और हो जाए तो दोनों में क्या होता है बच्चों, तो रिपल्सन होता है, इसे बोला जाता है रिपल्सिव फोर्स, और इसी रिपल्सिव फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों हो सकता है, क्या क्या, एक तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और एक रिपल्सिव भी हो सकता है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ठीक है, प्लस क्यू। अच्छा कोई ये बता दे कि मुझे बताओ सर कि न्यूट्रल कोई बॉडी है, न्यूट्रल चार्ज और एक प्लस चार्ज है, बताओ क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? तो बच्चा तो परेशान, यहाँ पे बच्चा ये सोचता है ये तो न्यूट्रल है,
ओहो, इसका मतलब न्यूटन मतलब क्या हुआ बच्चों, आप प्रश्न समझना, न्यूटन मीन्स क्या हुआ प्रश्न समझना है, न्यूटन मीन्स हो गया बच्चा, देखो न्यूटन मीन्स हो गया जितना प्लस उतना माइनस, उसे क्या बोलते हैं न्यूटन, जितना प्लस उतना माइनस, तो उसे क्या बोलेंगे न्यूटन, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस मिल गया न्यूटन मिल गया, गुड। अब सोचो बच्चों, अगर चलो प्लस की इसके पास है, इसको नियर मिला, इसको नियर बाय मिला, जब नियर बाय मिला होगा बच्चों तो प्लस क्यू तो ये है, अब इसका क्या होगा, जो माइनस है ना वो इसके साथ अट्रैक्शन होकर इधर आ जाएगा, जो प्लस प्लस और प्लस होकर प्लस इधर आ जाएगा, समझ आया बच्चों क्या मतलब, ठीक है। देखो कि जब इसको नियर बाय मिलाओगे तो जो ये इसका जो माइनस है इसका प्लस है, वो जो माइनस इधर आ जाएगा सरफेस पर ताकि अट्रैक्शन शो करे, तो ठीक है क्या, और जो प्लस प्लस रिपल्सन है, अब चूंकि ये जो माइनस है ना प्लस में वो क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये जो हमेशा फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, समझ रहे हैं बच्चों। तुम कहो सर कि यहाँ तो रिपल्सिव भी है प्लस प्लस में, अरे ये जो होगा वो सबसे नजदीक होगा, तो ये दोनों का फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम रहेगा, ठीक है क्या। तो याद रखेंगे न्यूट्रल और पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। एक बार और अगर बता दें कि सर एक और न्यूट्रल बॉडी है और एक नेगेटिव चार्ज है, बताओ क्या होगा, तो न्यूट्रल बॉडी जब इसके पास लाओगे माइनस के पास, तो प्लस प्लस नियर बाय आ जाएगा, माइनस प्लस के पास इधर आ जाएगा, और अभी भी क्या शो करेगा बच्चों, अट्रैक्टिव, तो अभी भी क्या शो कर रहा है, अट्रैक्टिव। तो कोई ये पूछ दे कि न्यूट्रल बॉडी के साथ, ठीक है क्या, न्यूट्रल बॉडी के साथ या पॉजिटिव है या नेगेटिव बॉडी को लाएंगे तो हमेशा क्या शो करेगा बच्चों, अट्रैक्टिव शो करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है क्या। ओके सर, मुझे समझ में आ गया, बच्चों को समझ में आ जाता है, बच्चा बड़ा खुश, बच्चा खुश क्यों होता है, ओ ये सब चीज नया है, देखो क्या स्कूल में ये सब होता है क्या, नहीं स्कूल में ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, कभी नहीं होता स्कूल में ऐसा, कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो ऐसा पढ़ा दे स्कूल लेवल में खासकर, ठीक है। कोई कोई टीचर मेरे जैसा मिल जाता है तो बात अलग है, बच्चों को लय में ला देता है, और जो बच्चा नहीं भी पढ़ना होता है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ये होता है टीचर, टीचर में ऐसा पावर ही होना चाहिए बच्चों कि बच्चा जो है ना टीचर पे मतलब एक एक चीज पे ध्यान क्या पढ़ा रहा है, ठीक है क्या, वही बच्चा सक्सेसफुली करता है बच्चों। और पता है मेरा ये आदत है, जो बच्चा वीक भी होता है ना उसे बार 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 उसे मैं हमेशा बोलता हूँ सर आ गया बच्चों, सर आ गया तुम्हें, सर आ गया तुम्हें, जो बच्चा वीक होता है उसके, ठीक है क्या, क्यों ऐसा बोलता हूँ समय में आ गया तुम्हें, इसलिए बोलता हूँ ताकि वो देखे क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और वो बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कितना भी कमजोर हो, कितना भी बदमाश हो, कुछ भी हो, कितना भी तरकीब पटाया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। अरे ठीक है, क्लास में जब बच्चा रहता है तो लड़कियों पर ध्यान रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। हम भी जब थे ना तो हम भी क्या करते थे, लड़कियों पर ध्यान देते थे, अरे मैं पढ़ने में भी अच्छे था, पढ़ने में तो अच्छा था लेकिन लड़कियों पर भी ध्यान थोड़ा ऊंचा रहता था, कोई बात नहीं, आम बात है, ये सब नेचर है ना, थोड़ा बहुत तो जाता है, लेकिन हाँ बच्चों को लगता है, क्या सुना बच्चों को लगता है, पांच दोस्त ये लड़की यही मेरा दुनिया है, नहीं गलत बात, वो लड़की उसको देख रहा हूँ मैं उसी समय भविष्य में शादी करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है, शादी करूंगा उसी समय, उसे लगता है कि मेरा दुनिया इतना ही बड़ा है बस, नहीं गलत बात। जैसे ही हायर लेवल में जाओगे ना, लेवल ट्वेल्थ में, और जहाँ आई टी जेई का तैयारी होगा ना, वहाँ पे सब कुछ भूल जाओगे, कौन लड़की क्या है, वो लड़की ऐसी है, सब भूल जाओगे, तो ठीक है, ईरानी रूपम ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसे ऐसे कहानी चलता है, ठीक है, टेंशन से कोई शक वाली बात नहीं। चलो तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा है, ओके, और थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई बोले एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो आता है कूलॉम, क्या होता है बच्चों कूलॉम, हिंदी में लिखा जाए तो इसे लिखा जाता है कूलॉम, कूलॉम लिखा जाता है कूलॉम, ठीक है, तो इसे सी ओ यू एल ओ एम कूलॉम, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम, ठीक है, गुड जी।
कोई बोले डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं तो क्या होगा, सुनो इलेक्ट्रिक चार्ज सुनना पहले बच्चों, इधर तुम्हें आसान लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट एंटिटी, इज दैट एंटिटी, एंटिटी मीन्स मेटेरियल, ओके, विच शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई बात नहीं, विच शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन शो कर रहा हो वो हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है क्या बच्चों। अब आता है नेक्स्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी का है, क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई बोले बच्चों कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई बात नहीं, और सुनो देखो एसएससी बोर्ड में ये सब है, कोई बात नहीं, एसएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैं तो वैसे प्रॉब्लम समझ में आता है, तुम चाहे नोट्स का पढ़ लोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा 100%, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, सुनना पहले, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एम ई, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर, अच्छा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इंटीग्रल इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे बच्चों एक बार प्लस लिखा, एक बार क्या लिखा, माइनस लिखा, उसका रीजन दिया है, क्या रीजन था सुनना, जैसे मान लो एक कोई बॉडी है ए और बी, ठीक है, मान लो इस पे 20 इलेक्ट्रॉन ए से बी आ गया, ए टू बी मान लो 20 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर हो गया, तो बताओ नेट चार्ज ऑन ए एंड बी, क्या तुम बता सकते हो क्या बच्चों, क्या बोला है कि ए से बी 20 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन ए से बी आ गया, तो मुझे बताओ चार्ज ए और बी पे क्या होगा, क्या तुम ये क्वेश्चन आता है क्या, हाँ सर मुझे आता है, नहीं आता बच्चों को, तो कैसे 20 इलेक्ट्रॉन आ गया, सोचो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, सबसे पहला, ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज वो इसमें होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो लूज कौन किया, तो ए लूज किया तो बी पे आया, तो बी क्या किया, गेन किया, तो बी पे नेगेटिव ए पे पॉजिटिव, बच्चों लिखना अपने मन से कॉपी में, जो बोर्ड पर होगा वो अगर लिख लिया कॉपी में डेट सो, ठीक है, अब देखो मैं लिखूंगा नहीं वो थोड़ा देख, मैं इधर इससे प्लस ऐसे बताओ इस पे कितना चार्ज, क्यू ए पर चार्ज है, ये लॉस किया तो प्लस एन ई, इस पे चार्ज है माइनस एन, सो क्या है प्लस माइनस में क्या है, इसलिए वहां लिखा गया प्लस माइनस एक साथ, इसे प्लस एन ई, एन कितना 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या वैल्यू होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है, ठीक है क्या, अब इसमें लिखा था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, कितना हो गया, सो इतना 32 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज किस पे आ गया, ए पे, सो आया बच्चों बी पे क्या चार्ज आ गया, वही सिर्फ क्या रहेगा माइनस माइनस 20 × E, लेकिन सेम चार्ज आएगा बच्चों, लेकिन क्या नहीं चलाएगा, नेगेटिव आएगा, समझ आया बच्चों क्या अंतर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा ये बताओ मुझे बच्चों, अगर तुमसे ये पूछते मुझे बता दो कि जो मोबाइल होता है ना उसको उसको
चार्ज में लगाते हैं, चार्ज में लगाते हैं, ठीक है, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, ठीक है क्या? कोई बोलता है कि सर मोबाइल को मैंने चार्ज में लगाया, ठीक है, मोबाइल को मैंने चार्ज में लगाया, वायर लगाया, ठीक है, चार्ज लगाया, क्या मोबाइल पे, क्या मोबाइल पे जो मास है वो इंक्रीज होता है क्या? मुझे बताओ बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9 × 10⁻³ kg। सुनना, मोबाइल जो चार्ज होता है ना, चार्ज, उसमें मास का इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट जो मुझे फील नहीं होता कि इसमें कुछ मास आया है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो भी मोबाइल चार्ज होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां एक्युमुलेटेड होता है, और क्यू बराबर एम ई ही वहां भी होता है, चार्ज जाता है मोबाइल, ठीक है, और सोचो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना मास बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9 × 10⁻³ kg। अगर मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन गया तो 1000 इतना kg, खत्म, मतलब मास तो बढ़ता है मोबाइल में, लेकिन फील नहीं होता कि मास इसका बढ़ा है, वेरी स्मॉल अमाउंट, देखो इट्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, −51 kg नेगेटिव अप्रोक्स, जो लेके हम नहीं चलते, ठीक है। ओके सर, मुझे ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि सर कि मोबाइल चार्ज होता है, चार्ज उसमें मास भी आता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब मास मोबाइल का बढ़ता तो है लेकिन फेल नहीं होता, गुड, अच्छा आई गॉट, फेल नहीं होता, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है ना, कूलम्स हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, सिलेक्ट क्वांटिटी होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में पोलराइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर ए निकला। अब थोड़ा पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, अब कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों देखो हमारा जो हेडिंग है वो तो यही हेडिंग है, तो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हो इलेक्ट्रिक करंट ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा देखो इधर इलेक्ट्रिक करंट सुनना है, जैसे किसी चार्ज का मोशन, किसी चार्ज का मोशन जिसमें स्पीड क्या हो कॉन्स्टेंट, स्पीड किसी चार्ज का अगर कांस्टेंट स्पीड हो, मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है क्या, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, खत्म। चार्ज का मोशन होना चाहिए, अगर चार्ज का मोशन हुआ ना कांस्टेंट स्पीड से तो करंट का प्रोडक्शन होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है कब, जब किसी चार्ज का कांस्टेंट स्पीड हो तब। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं होता, नॉट करंट, कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं होता कब, जब कोई चार्ज अगर वो रेस्ट पे है तो, ठीक है क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर जानना है क्या, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो तो कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा, तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद करना पड़ेगा, ठीक है क्या। चार्ज का अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो बात अलग है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होगा, अन्यथा अगर वो रेस्ट पे है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन नहीं होगा, सबसे पहले ये बात करना। अब बोलो सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या डेफिनेशन दूंगा, तो डेफिनेशन में दूंगा सबसे पहले इसमें सुनो, इट इज डिनोटेड बाय आई, सबसे पहले बात इट इज डिनोटेड बाय आई, इसे आई से डिनोटेड करूंगा, चाहे कैपिटल आई और स्मॉल आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, चाहे स्मॉल आई चाहे कैपिटल आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब
जी इसका एसआई यूनिट पहले जानते हैं, तो एसआई यूनिट चलो एसआई यूनिट बाद में पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो उसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, सुनो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या अब इलेक्ट्रिक करेंट होता क्या है, किसे सुनना? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अंडरलाइन है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद ये रेट बोल रहा है, रेट का मतलब क्या, फ्लो मतलब क्या हुआ, तो कांस्टेंट स्पीड फ्लो कर रहा है, गुड जी। बताओ रेट मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैन बी रिटेन, ठीक है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसको लिखा जा सकता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन टू फ्लो, टाइम टेकन, ठीक। इसको लिखा डेल्टू, डेल मतलब होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर चेंज इन टाइम, उसे क्या बोलते हैं करंट। अच्छा ये टाइम स्पीड में क्या है, सोचो कांस्टेंट स्पीड होगा तो एक समय यहां रहेगा एक समय यहां रहेगा, तो जो चार्ज है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चार्ज वहां पे आ गया। मान लो ये टी टाइम तक गया है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहां पर क्या होगा फॉर्मूला, क्यू बाय टी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये क्या लिखा, चेंज इन मतलब ऐसा लिखा सकता है क्यू बाय टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो ये याद कर लो क्यू बाय टी मतलब चार्ज अपॉन टाइम, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। इसको लिखा चेंज थोड़ा हायर लेवल में आ गया, ठीक है क्या इसको चेंज हो जाता है जो थोड़ा हायर लेवल में, कोई बात नहीं। तुम याद रखो क्यू बाय टी, तुमसे बोले कि बच्चों बताओ कि एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एस आई यूनिट क्या होगा, देखो मैं एस आई यूनिट सिखाता हूं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जो है एम्पियर, क्या है एम्पियर, इसको ए से नोट करते हैं हम। और एक और हो सकता है, जो देखो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या यूनिट होता है, सी होता है, कूलम होता है, कूलम अपॉन टाइम अपॉन सेकेंड, तो लिखा सकता है कूलम पर सेकेंड, ये भी लिखा जा सकता है, पर सेकेंड हो गया ना, ऊपर चल गया, होता है ना कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये सेकेंड। तो फॉर्मूले से भी यूनिट लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एम्पियर याद रहेगा और ये याद रहेगा, ठीक है क्या। तो अगर ये बच्चों याद है तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता ये वाली बात। किसी बच्चे से पूछेगा क्या इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे हो कोई करंट आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है क्या। कोई बच्चों से पूछ लेना, अगर वो बता दिया तो बहुत ही अच्छा है, उसका कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर वो नहीं बताया उसका कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे आम स्टूडेंट का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैंने बता दिया। कोई बोले कि डिफाइन वन एम्पियर ऑफ करंट, वन एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है, वन एम्पियर। अच्छा वन एम्पियर क्या होता है, मुझे पता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर ये वन एम्पियर बनेगा तो वन सेकेंड अपॉन वन कूलम अपॉन वन सेकेंड बनना पड़ेगा, तो इसको लिखा क्या जाएगा, देखो इफ वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
फ्लोज इन कंडक्टर, ये कंडक्टर की बात कर रहा हूं, किसी वायर की बात कर रहा हूं मैं, किसी वायर की बात कर रहा हूं, इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर। सिंपल है, इफ वर्क कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर। करा, ठीक है। इसमें तो क्या है यार, जो फॉर्मूला है उसी में क्या है, वाली बात है। तुमसे इस पे अगर न्यूमेरिकल पूछ ले कि मुझे बताओ क्या होगा, जैसे पूछ दिया कि इफ 90,500, ठीक है, कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन ए कंडक्टर, फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में फ्लोज किया, अक्रॉस अ कंडक्टर इन 30 मिनट में, तो फाइंड इलेक्ट्रिक करेंट इन द कंडक्टर, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करेंट निकालना है कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक करेंट इन कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक करेंट निकालना है कंडक्टर में, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि इफ 96500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस अक्रॉस अ कंडक्टर इन 30 मिनट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, मुझे पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया, तो 96500 अपॉन 30 मिनट है, इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा तभी आएगा एम्पियर में, क्योंकि कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 × 60 सेकेंड में बन गया, ये कूलम बन गया सेकेंड में, ठीक है, कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब जो भी कैंसिल है इसको तुम सॉल्यूशन करके अपने से लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड या तो एम्पियर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, या तो एम्पियर, तो इसको सॉल्यूशन तुम कर सकते हो, तुम्हें आता है सॉल्यूशन करना, ठीक है सर। अगर मान लो न्यूमेरिकल ऐसा आ गया कि सर मुझे बताओ कोई कंडक्टर है, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है, ये सुनना, कोई कंडक्टर है, गुड, कोई कंडक्टर है, ओके, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, सुनना, इसमें हाँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मान लिया 9 × 10^10 15 इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अक्रॉस अ कंडक्टर, अक्रॉस अ कंडक्टर, इस कंडक्टर को मान लो उस कंडक्टर, ठीक है, इन 50 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द कंडक्टर, कितना करंट होगा, फाइंड करंट अक्रॉस द कंडक्टर, कितना करंट होगा कंडक्टर में, कितना करंट होगा, ठीक है बच्चों, कितना करंट होगा, मुझे पता है जब भी निकालना है करंट तो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, और मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला सिखाया है, तो हम एक ही फॉर्मूला यूज भी करेंगे, मुझे पता है I बराबर Q है, ठीक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तो मनुष्य यहाँ तो Q तो है ही नहीं, अरे क्यों ऐसे नहीं है, देखो इतना इलेक्ट्रॉन लिखा है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो मुझे पता है Q बराबर ME, अभी लिखा है मैंने पोटेंशियल ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, तो मुझे पता है N कितना है, 9 × 10^15, E कितना है, तो 1.6 × 10^-19 कूलम अपॉन टाइम कितना है, 50 सेकेंड, सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा एम्पियर में, कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। क्या अब बोलो सर, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया ही नहीं, अरे तो फॉर्मूला लगाने में कौन सी बड़ी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल पता है क्या है, लॉजिक लगाओगे ना, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं,
जो तुमसे नहीं बने, जैसे मैंने समझा दिया वैसे अगर हो गया तो सब जो तुम्हारा बेनपार है। क्या तुम्हें समझ आ गया क्या? यस सर समझ आ गया, गुड। चलो और करते हैं कुछ बातें, करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की बातें चल रहा है तो चल रहा है, चलने है कि नहीं, गुड। इसी के बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया ठीक है, अब थोड़ा इसमें क्या बचा है इंपॉर्टेंट बातें, इसमें क्या क्या है वो थोड़ा देखते हैं ठीक है। चलो सबसे पहले एक तो होता है, चलो मैं क्लास अप कर लूंगा है ना, कल बताता हूँ ठीक है।